हे गाइस, आप अगर किसी गांव में रहते हो या फिर आपका घर जो है किसी स्मॉल टाउन या फिर सिटी में है और आप ये सोचते हो कि 5G को हम कब यूज़ कर पाएंगे, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि गांव के लोग जो है अभी 5G को लेकर क्या सोचते हैं। जरूर से आपको ये वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का इस धमाकेदार वीडियो को। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाँव के लोग जो है 5G को लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, मेरा भी घर जो है एक गाँव में ही है और मैं भी अपने गाँव में ही रहता हूँ। और अपने गांव के किसी भी फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर को अगर हम पूछते हैं कि भाई तेरा फ़ोन जो है अभी पुराना हो चुका है और ये नया फ़ोन लेने का टाइम जो है आ गया है, तो कब नया फ़ोन जो है आप ले रहे हो, तो ये सवाल जब अपने किसी भी गांव के लोग से मैं पूछता हूँ तो उनका एक सिंपल सा जवाब होता है कि भाई अभी तो कुछ टाइम के बाद में जो है 5G आने वाला है और उसी के बाद में हम जो है नया फ़ोन लेंगे और उसके बाद हम अपने घर में रह के बड़े ही मज़े से 5G को यूज़ करेंगे। ये होता है उनका जवाब। और इस टाइप के सोच के लोगों के लिए ये वीडियो जो है स्पेशली मैं आपको बना रहा हूं। और आपका घर भी अगर गांव में ही है तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। क्या सबसे पहले अगर हम बात करें एक नेटवर्क जो है कैसे काम करता है, तो आपने देखा ही होगा कि आपके गांव के आसपास या फिर सिटी में या फिर टाउन में कहीं भी जो है बड़े बड़े टावर जो है लगे होते हैं और उसी से ही हमारे फोन में सिग्नल आते हैं और अपना काम जो है हम कर पाते हैं। तो अगर आपके गाँव में एक नेटवर्क है तो आपके आसपास के 4-5 गाँव में जो है सिग्नल वो उस नेटवर्क से प्रोवाइड होता है और उनमें भी आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो इंटरनेट या फिर डेटा को, और उसी टावर से ही आपके आसपास के 4-5 गांव जो है चलते हैं। गाइस, ये जो टावर होते हैं इनमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकलते हैं और जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है यानी जो रेंज है वो ज्यादा होगा। तो गाइस, ये जो फंडा है ये 5G में बिल्कुल काम आने वाला नहीं है, यानी आपके गाँव में जो बड़ा बड़ा टावर है उससे हम 5G को यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको और छोटा यानी और ज्यादा टावर लगाना पड़ेगा, जैसे कि 5G में फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा होगा और उसका रेंज जो है कम होगा, उससे ही हमारा डेटा जो है स्पीड चलेगा। आपको पता ही होगा कि 5G आने के बाद में जो डेटा की स्पीड है वो 1 GBPS से भी ऊपर जाने वाला है, तो उतना ज़्यादा डेटा और उतना स्पीड इंटरनेट को हमें यूज़ करने के लिए जो टावर है उसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम टावर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो उसका जो रेंज है वो बहुत ही कम हो जाएगा, यानी अभी आपके गाँव में एक टावर है तो आपके आसपास के 4-5 गाँव तो उसी टावर से चल जाते हैं, बट जब 5G आप यूज़ करोगे तो आपके एक गाँव में एक टावर है तो आपके पूरे गाँव में भी वो टावर का सिग्नल नहीं मिलने वाला है। तो गाइस, अगर मैं सिंपल से भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो 1 किलोमीटर के दायरे में आपको 3-4 टावर तो लगाना ही होगा, तभी जाके आप 5G को यूज कर पाओगे अपने घर में ही। तो गाइस, आप खुद ही सोचिए कि कौन सा ऑपरेटर आपके गांव में 5G लगाने को आएगा। आप अगर किसी स्मार्ट सिटी या फिर बड़े टाउन में रहते हो तो आप तक 5G जो है बड़े ही आराम से पहुंच जाएगा इंडिया में, बट आप अगर किसी गांव में रहते हो तो आप तक 5G पहुंचना अभी के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 किलोमीटर के दायरे में ही आपको 3-4 टावर लगाने पड़ेंगे और टावर की साइज़ जो है इतना बड़ा नहीं होगा। जो स्ट्रीट लाइट होते हैं यानी जो इलेक्ट्रिक का खंभा होता है उसी के साइज़ का जो है टावर लगाना पड़ेगा, और उसी का जो पावर एफिशिएंसी भी है, उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, उसका बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि मेंटेनेंस करना पड़ेगा ऑपरेटर को, और उसी के बाद में ही आप 5G को यूज़ कर पाओगे। तो आपके गाँव में जो है कौन सा ऑपरेटर अभी आएगा 5G लगाने के लिए और आपके गाँव में कितना यूज़र होंगे 5G का, तभी जाके आपके गाँव में 5G वो लगाएंगे। तो अभी के टाइम पे लिए जब इंडिया में 5G आएगा तभी 5-10 साल के लिए तो आप 5G को भूल ही जाओ कि आपके गांव में जो है 5G बड़े ही आराम से मिल जाएगा और आप यूज़ कर पाओगे 5G फ़ोन को। अब अगर ये सोचते हो कि 5G आने के बाद में हम एक फ़ोन को जो है परचेस करेंगे और उसी के बाद में जो है 5G को यूज़ करेंगे, तो इस वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि 5G जो है किस टाइप से आने वाला है। तो आप खुद ही सोचिए कि आप तक जो है 5G कब पहुँचेगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और गांव के लिए ये वीडियो जो है स्पेशली है, तो गांव के लोगों के लिए शेयर कीजिए ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।